प्यार नहीं मिल रहा, एक तरफा प्यार है, या दो लोग जो आपस में बहुत प्रेम करते हैं अब हो रहे हैं अलग, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, कोई आपसे नाराज है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे चाहते हैं, किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा। पति पत्नी हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, या उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव है। प्रेमी प्रेमिका हैं, बस दूर हुए जा रहे हैं, बनती नहीं, दोनों में से एक किसी और के आकर्षण में जा रहा है, चाहे स्त्री है या पुरुष, लड़का है या लड़की। बस एक आसान सा उपाय, वो जो आपका प्यार है, वो जो आपका प्रेम है, आपके पास आ जाएगा। चाहे प्रेमी जोड़ा हो या एक तरफा प्रेम हो, बस आप देखें कैसे वो सामने वाला इंसान आपके गाने गाएगा, सिर्फ आपके लिए जिएगा, आपके लिए मरेगा। दिन रात उठते बैठते सिर्फ आप उसके ख्यालों में होंगे। एक ऐसा उपाय, एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो कर देता है सामने वालों को आपके लिए पागल, आपके लिए दीवान। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं ये सरल सा उपाय और कर लेते हैं इस उपाय को अपने उस प्यार को पाने के लिए। यकीन करें, बस इसे करें और फिर देखें इसका चमत्कार। वो सामने वाला इंसान आपके वश में, आपके कंट्रोल में हो जाएगा। वो आपको इतना चाहेगा, इतनी मोहब्बत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं कैसे करना है ये उपाय। उपाय बहुत ही सरल है। उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी करें, साफ स्वच्छ हो जाए, हाथ मुंह पैर धो लें, स्नान कर सकते हैं स्नान कर लें, एक जगह पर बैठें एकांत में, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी आसन, कपड़ा साफ बिछा लें, उस पर पालथी लगा कर बैठ जाएं, दिशा कुछ भी रखें। एक पात्र ले लें, बर्तन ले लें, डोंगा हो गया, कटोरी हो गई उस तरह का, और उसमें ले लें पानी, पानी लगभग भरा हुआ हो, ठीक ठाक पानी भर लें। पानी ऐसा होना चाहिए जो पीने योग्य हो, यानी जो पानी पीने में घर में इस्तेमाल करते हैं वो पानी होना चाहिए। उसे आप अपने सामने रखेंगे, उसके अंदर अपने अक्ष को देखेंगे, कहने का अर्थ उस पर झांकेंगे और अपना चेहरा देखेंगे। पूरा चेहरा जरूरी नहीं है, आपको अपनी आंख उस पर नजर आनी चाहिए, कोई भी एक आंख, इतना अवश्य देखें। और उसके बाद पहले उसे आप लगभग 15-20 सेकंड देखते रहें बिना पलक झपकाए, और उसके बाद आंखें कर लें बंद, चेहरा सामने से हटा लें, यानी जो पात्र है उसके ऊपर से हटा लें। पात्र के अंदर आपने अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली, जो कनिष्ठा उंगली होती है, लिटिल फिंगर, सीधे हाथ की, राइट हैंड की, उसे डुबो देना है, पूरा डुबो दें। उसकी आखिरी रेखा भी उसमें छुली हुई हो, बाकी नहीं, बाकी कटोरी या जो भी पात्र लिया है उसके किनारे पर ऊपर की तरफ रख लें, और उसके बाद आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, और उसके बाद बोलें ये मंत्र, ओम त्रिच हूं अक्ष अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले लें और उसे ध्यान करके ही लें, ये मंत्र 5 बार बोलें, उसके बाद आंखें खोलें, उंगली को बाहर निकालें, जो पानी है उसे छिड़क दें जमीन पर, यानी जो आपकी उंगली पर पानी लगा है उसे छिड़क दें, और उसके बाद इस उंगली को एक बार अपनी जीभ पर चलाएं, हटाएं नहीं, जीभ पर चलाएं, और मन ही मन उस व्यक्ति का 5 बार नाम लें। अब आपने उंगली हटा लेनी है। इस पानी को जो इसमें बर्तन में भरा हुआ है, इसे आप 15 मिनट से अधिक घर में रख लें, और उसके बाद इसे किसी भी साफ स्थान पर गिरा दें, घर से बाहर, चाहे तो चौखट से बाहर कहीं भी साफ स्थान, उधर गिरा दें, या अगर ये नहीं कर सकते तो आपके किचन में आप इसे डाल सकते हैं, सिंक हो या कोई भी किचन से जाने वाला रास्ता हो उससे डाल दें। बस ये आप काम करेंगे। ये भी नहीं कर सकते, छत पर गिरा दें, ये भी आप कर सकते हैं कि छत पर भी इसे एक जगह से गिरा दें, अपने आप सूखता रहेगा। बस ये आपने कार्य किया, उसके बाद अपने हाथ मुंह पैर फिर एक बार अच्छे से धो लें और करें उस व्यक्ति का इंतज़ार। वो इंसान 2 से 3 दिन के भीतर बस आपके सामने होगा। यहाँ आप उपाय करेंगे, 10 मिनट में उस पर इसका असर होगा, और वो होगा आपके लिए बेचैन, आपके लिए दीवाना, और आपके देखते ही देखते वो इंसान पागलों की तरह आपको चाहने लगेगा, और जो आपसे दूर जा रहा है वो बस आपके लिए ही वापस आएगा और पूरी ज़िंदगी जिएगा आपके लिए। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं अपने किसी भी प्रिय को
पाने के लिए। आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।